तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ फ्रेंड्स इंस्टाग्राम की आईडी अपनी डिलीट कैसे कर सकते हो, परमानेंट डिलीट। और अभी अपनी इंस्टाग्राम की आईडी परमानेंट डिलीट करना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लेना। चलिए सिंपली ऐसे अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लेता हूँ। इंस्टाग्राम ओपन करने का सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, आपको इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करना है। यहाँ इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर सिंपली यहाँ पर, और आपको सिंपली यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा थ्री डॉट का ऑप्शन, देखते हैं थ्री लाइन का ऑप्शन, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे दिखेगा फर्स्ट ऑप्शन अकाउंट सेंटर का, देखते हैं ये फर्स्ट ऑप्शन अकाउंट सेंटर का ही आपको दिखेगा। फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, देखते हैं फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इंटरफेस आया होगा। फिर आपको दिखेगा यहाँ पे प्रोफाइल, यहाँ पे दिखेगा आपको सिंपली प्रोफाइल का ऑप्शन, देख सकते हैं यहाँ पे सॉरी पर्सनल डिटेल का ऑप्शन, देख सकते हैं यहाँ पे पर्सनल डिटेल का ऑप्शन है। यहाँ पे यार पर्सनल डिटेल का ऑप्शन ये आपको दिखेगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना। आपको वेट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस जाएगा। फिर आपको यहाँ पे दिखेगा कंट्रोल ऑनरशिप अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल का ऑप्शन, देख सकते थर्ड ऑप्शन है या इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना। चलिए सिंपली इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखेगा डीएक्टिवेशन और डिलीशन, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर आपको दिखेगा यहाँ पे आपकी इंस्टाग्राम की यूजर नेम, तो उस पर आपको फिर से क्लिक कर देना है। चलिए इस पर सिंपली क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आप डीएक्टिवेशन, आपको टेम्पोरेरी डिलीट करना है तो ये कर सकते हैं, और परमानेंट करना है तो ये वाला चूज कर सकते हैं। चलिए इसमें ये वाला मैं परमानेंट को डिलीट करना है, सिंपली मैं ये सेकंड वाला चूज़ कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली मैं ऐसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद थोड़ा आपको वेट करना, फिर आपको आपका पूछेगा रीजन कि आप क्यों डिलीट कर रहे हैं। सिंपली आपको कोई भी एक रीजन दे देना जो आपका है। चलिए मैं कोई रीजन दे देता हूँ यहाँ पे क्रिएट माई सेकेंड अकाउंट का, तो उस पर मैं क्लिक किया। फिर यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर सिंपली मैं क्लिक कर दिया। यहाँ पे देख सिंपली इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप पूछ रहा है कंटिन्यू आप डिलीट करना चाहते हैं, आपके पास अनदर अकाउंट है इंस्टाग्राम पे या पूछ रहा है, तो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर सिंपली आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको वेट करना, फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। यहाँ पे सिंपली आपको पासवर्ड डालना है, सिंपली मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद सिंपली आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर सिंपली ऐसे क्लिक करना। चलिए सिंपली ऐसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको वेट करना है। वेट करने के बाद पूछ रहा है कि श्योर आप डिलीट अकाउंट अपना करना चाहते हैं, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है डिलीट अकाउंट पर। इस वजह से आपको क्लिक करोगे थोड़ा आपको वेटिंग थोड़ा देर वेट करेगा, चलिए सिंपली थोड़ा देर हम वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद सिंपली अकाउंट डिलीट हो चुका है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप इंस्टाग्राम की अकाउंट अपनी डिलीट कर सकते हो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब।